रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेजबान नदीम जाफरी और वक्त हुआ है मेरे और आपके फेवरेट शो का जिसका नाम है कराची मेंट्री। और इसी सिलसिले में आज मौजूद हूं मैं एक खूबसूरत फन पारे के साथ, एक ऐसा मास्टरपीस जिसको देख के आप कहेंगे यस दिस इज हेरिटेज एंड दिस इज कराची मेंट्री। दोस्तों आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह जो कि शहर के बीच में है मगर आते जाते अनफॉर्चुनेटली बहुत साफ नजर नहीं आती। और ऐसी कई बिल्डिंगें हैं जो आपको दिखाई गई हैं जो कि आते जाते नजर नहीं आती और गोया के इसीलिए बहुत से लोग पूछते भी नहीं है कि यहाँ क्या था और अब क्या है। दोस्तों मैं खड़ा हुआ हूँ उस वक्त हिंदू जिम खाना के अहाते में। हिंदू जिम खाना नाम से लगता है कोई हिंदुओं की चीज है मगर ऐसा है नहीं। हिंदू जिम खाना बेसिकली पाकिस्तान बनने से पहले की कहानी है और एक ऐसा लिविंग मॉन्यूमेंट है जो आज तक जिंदा है और अपनी तारीख खुद बता रहा है। अपने अपने मफाद को मद्देनजर रखते हुए तारीख में इस कदर तो कोई रद्द बदल हो चुका है। ये जगह मेरे हिसाब से एक मुस्तनद हवाले से 1925 में तख्लीक अमल में आई मगर 1925 से बहुत पुरानी शक्ल है इसकी। मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 17वीं सदी या 18वीं सदी की दहाइयों का काम है ये जो आपके सामने है मगर कुछ ऐसा मालूम हो रहा है कि उस दौर में जिस तरह आजकल होता है कि आप कोई बहुत पुरानी शक्ल की इमारत जैसा अपने घर को बनाना चाहते हैं या अपनी कोई बड़ी फेवरेट बिल्डिंग को डेवलप उस तरह करना चाहते हैं आप। लाहौर में भी कई जगह ऐसा हुआ है, कराची में भी कई जगह ऐसा हुआ है। उसी तरह 1925 में भी किसी ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है क्योंकि जो आर्किटेक्चर नजर आ रहा है आपको दोबारा बताऊं कि वो 16, 17 और 18वीं सदी के बीच का काम है। और डेफिनेटली ये सदियां जब हम बात करते हैं तो एक नाम उभर के आता है मुगल सल्तनत का। मुगलों के दौर का काम उसमें आमेदिश है कुछ मेरे हिसाब से हल्के से रिलीजियस एलिमेंट की जो कि हिंदुस्तान का हिस्सा होते हुए डेफिनेटली आना था और इसके अलावा कुछ हल्का सा गॉथिक फील भी है मगर 100% नहीं है। वो गॉथिक फील मुझे सिर्फ इसकी मेहराबों में नजर आ रहा है और ज्यादा दरवाजों में नजर आ रहा है, बाकी इमारत के अंदर वो गॉथिक फील नहीं है जो कि अब तक ऑलमोस्ट 70-80% इमारतों में कराची में जगह आप देख चुके हैं। हाँ जी, तो बात शुरू हो रही है 1925 से। 1925 में एक ऐसे इंसान ने यहाँ बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस करवाई जिनमें से एक ये जगह भी है और दूसरी बहुत खूबसूरत जगह है और आप लोग बहुत अच्छी तरह आशना है उससे, मोहाटा पैलेस। और उनके नाम में भी मोहाटा आता है और उनका इस्म शरीफ है सेठ राम गोपाल गोवर्धन दास मोहाटा। और यही तख्ती के साथ ये इबारत नस्ब है इस बिल्डिंग के मुंह पर यानी कि इसके दालान के मेन दरवाजे पे। बेसिकली तो भी हम टेक्निकलिटीज में आगे जाएंगे तो पता लगेगा कि ये पिछला दरवाजा है मगर इस वक्त ये फ्रंट एंट्रेंस है और फ्रंट एंट्रेंस पे साफ साफ जली हरूफों में उनका नाम नस्ब। थोड़ा सा गोपाल जी के बारे में, ये साहब इस दौर के जिस दौर का जिक्र हो रहा है 1901 से लेकर 1930-40 के बीच का वक्त, कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर, ये कितनी खूबसूरत जबरदस्त तरीके से रीडू की हुई चीज है। रीडू से कह रहा हूं क्योंकि 1925 में कुछ 1800 या 1600 का, क्योंकि 1925 में 1628 जैसी कोई चीज बनाना आसान नहीं होगा जबकि टेक्नोलॉजी, आर्काइविंग, इंटरनेट, फोटोज से कॉपी करना ये सब कुछ फैसिलिटीज नहीं होंगी। तो उस दौर के लोगों को रीजनरेट करना या उनको समझाना कि देखो मैं ऐसी चीज चाह रहा हूँ या कागजों से दिखाना और फिर उसे रीबिल्ड करवाना इतना आसान ना रहा हो। और सलाम है भाई उनकी अजमत को जिनका नाम था आगा अहमद हुसैन साहब जिन्होंने ये जो उसके आर्किटेक्ट थे और फिर मोहाटा भाई राम गोपाल
गोवर्धन दास महाटा साहब और उसके बाद वो तमाम लोग जो जिन्होंने ये ईंटें पत्थर जोड़े होंगे. एक्चुअली कराची मेंट्री इज जस्ट नॉट अबाउट दीज मॉन्यूमेंट्स, इट्स अबाउट आवर हिस्ट्री, इट्स अबाउट एवरी पर्सन, एवरी पीपल, एवरीबॉडी जिसने कुछ काम किया है पास में, इस दौर में, इस जगह में जहां हम आज विटनेस कर रहे हैं उस काम को. उस दौर के सब लोगों को सलाम है कराची मंत्री और तमाम मजदूरों को जिन्होंने इसमें ये पत्थर जड़े. पत्थर कहां से आया होगा, एक मुस्तनद हवाले से लिखा गया है कि बीजापुर से पत्थर आया और पत्थर आने के बाद लगाया किस तरह गया कि तकरीबन 90% दीवारें और पिलर जो है वो 100% नपाई में 2 फुट है चारों तरफ से स्क्वायर. 2 फुट चौड़े पिलर्स और दीवारों पर मुश्तमिल ये तकरीबन एक छोटी सी ऐसी इमारत जिसको हिंदू जिमखाना कहते हैं, है तो एक छोटी इमारत मगर अंदर कई कमरे और उसके आगे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसके बारे में मैंने अभी इंट्रो में कहा हुआ करता था, अब नहीं है. और ये जगह इंट्रो में जो मैंने बात कही वो ये कि ये इसका पिछवाड़ा है बेसिकली और हम इसको इस वक्त ट्रीट कर रहे हैं इसके फेस की तरह. और यहाँ सामने लॉन के बिल्कुल एक राहदारी आ रही है जहाँ गाड़ी आने का रास्ता भी है और बड़ा खूबसूरत दरवाजा है जिसके दोनों तरफ खूबसूरत मीनार जैसे छोटे मीनार जैसे पिलर्स हैं और उन्हीं में गेट नस्ब है. किसी दौर में गोया कि आज से तकरीबन कोई 90 साल पहले जिमखाना होता था और वो जगह फ्रंट होती थी और वहाँ आपको लेके जाएंगे और वहाँ पर एक और खूबसूरती का तासुर मौजूद है कि वो जगह जहाँ आलईन आके बैठते थे उस जगह के ऊपर भी खास खूबसूरत मॉन्यूमेंट जैसा गुंबद मौजूद है क्योंकि दोबारा याद दिला रहा है इमादुद्दौला की गुंबद की यानी कि 1628. सामने मौजूद है एक बेहतरीन कंपोजर, पाकिस्तान का फख्र, एक ऐसे इंसान जिन्होंने यहाँ की आने वाली नस्लों के लिए आर्ट्स के लिए कुछ इतना कर दिया है कि मेरे हिसाब से अगर वो चलता रहे और चलता रहे तो हमें किसी और की जरूरत नहीं. बहुत बहुत शुक्रिया आशर भाई. अस्सलाम वालेकुम, कैसे मजाक खैरियत से आप? ओके आशर भाई, अब एक सवाल बड़ा देरीना है कि ये ख्याल और इसकी कोशिश और इसका तकामुल ये सब कैसे हुआ, आप कुछ लफ्ज़ों में आपसे. देखिए ये इसमें जो एक बुनियादी शक्ल जो है वो तो सरकार की तरफ से एडवांसमेंट हुई क्योंकि मुझे ये याद पड़ता है कि 1947 से जो आर्टिस्ट थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे मुल्क में एक परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी होनी चाहिए. यानी जो आपको तारीख में कुछ बातें अपने बारे में मिलती हैं उसमें एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी मादाम हजूरी, उन्होंने गवर्नर जनरल गुलाम अहमद थे उनसे ये दरख्वास्त की थी कि जनाब एक परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी. उन्होंने कहा हाँ ज़रूर. तो वो बनते 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 2005 में बने और वो भी उस वक्त के जो सदर थे उन्होंने ज़िया साहब से ये इसके बारे में बात की. तो ज़िया साहब ने जो है इस चीज़ को, क्योंकि उनको पता था कि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सबकी इज्तिमाई ख्वाहिश है कि जिसको पूरा करने का मौका आ गया है. तो जैसे जैसे उन्होंने बात की तो बहुत ज़्यादा हम लोगों से बात करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, सब के सब दोस्त जो हैं वो शामिल हो गए. ये सब अपने अपने कामों के इतने बड़े बड़े लोग हैं जैसे ज़िया मुहीउद्दीन साहब हैं और राहत काजमी साहब हैं, उस्ताद नफीस अहमद हैं, उस्ताद बशीर खान हैं, तलत हुसैन हैं, अनवर सज्जाद साहब हैं, खालिद अहमद हैं, ये सब लोग यानी इनके बारे में किसी को शक नहीं हो सकता कि ये
बचपन से जब से इन सब होश संभाली है वो इसी काम से जुड़े हो, तो इतनी जबरदस्त यहाँ फैकल्टी है और जितनी मेहनत से और जहाँ पेशानी से यहाँ पढ़ाया जाता है, मैं समझता हूँ कि बहुत ये एक बड़ी बात है। क्या बात है, ये जगह डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना, फिर इसको इस शक्ल में लाना, ये सेरा भी आपके साथ। जब हम यहाँ आए थे तो इसका काफी बुरा हाल था, यहाँ सब झाड़ और मतलब सांप भी निकले कई, जब हमने सफाई इसकी शुरू की तो जो मेन हॉल था इसका, उसमें से आप समझे तो एक पूरा डंपर जो है वो पिजन ड्रॉपिंग्स का हम यानी साफ हुआ तो उसको साफ किया, फिर ये फवारा था यहाँ ये चलता नहीं था, फिर इसको किया, फिर ये बाग था इसको हमने ठीक ठाक किया और सफाई की, क्योंकि इस पे काफी वो ग्रेफिटी वगैरह और नाजेबा चीजें लिखी हुई। अच्छा अर्शद भाई, ये किस सन से किस सन तक वेयारो मददगार पड़ी हुई थी? देखिए ये तो पाकिस्तान बनने से पहले ही थोड़ा सा वेयारो मददगार हो गई थी, लेकिन कुछ ही अरसे बाद जो अंग्रेज हुकूमत थी उसको दूसरी जंग अजीम की तैयारी करनी थी और फौज में देसी लोग भर्ती होने शुरू हो गए, तो जो ऑफिसर ग्रेड के देसी लोग थे उनको तो नहीं रोका जा सकता था जिमखाना या क्लब में जाने से, तो लिहाजा वो जो रिस्ट्रिक्शन थी कि देसी लोग नहीं जा सकते क्लबों में, क्लब की जो है फिर ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन का दफ्तर बन गया था। ओके। और ये जो जगह है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास ही रही, लेकिन फिर गालिबन 80s में या 88 में या 89 में ये कुछ बार्टर हुआ था बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड सिंध गवर्नमेंट, तो ये सिंध गवर्नमेंट को मिल गई और ये सिंध गवर्नमेंट की तहवील में आ गई। कोई अगर उसी दौर की बात है जब कैपिटल शिफ्ट हो रहा था? नहीं, अच्छा उससे 88। अच्छा 88 की बात कर रहा हूं। जी 88 89 में ये जो है ये बार्टर हुआ और फिर जो हकीकत सिंध है उसके कल्चरल डिपार्टमेंट जो है, पार्ट ऑफ कल्चर जो है, ये उनकी ओनरशिप है इस बिल्डिंग में और हमने उनसे ये 30 साल की लीज पे ये 30 ईयर्स। तो दोस्तों 30 ईयर्स की लीज पर मौजूदा ये नेपा इंस्टीट्यूट और इससे पुराना हिंदू जिम खाना इस वक्त सर्व कर रहा है इस मुल्क को कल्चरली और यहाँ के उन मुजाहिदों को और यहाँ के उन नौजवानों को, ख्वातीन हजरात को तैयार कर रहा है, क्योंकि तो इस दुनिया में कल्चरली पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे, एम्बेसडर्स बनेंगे मुख्तलिफ जगहों पर, इस मुल्क का कल्चर पॉजिटिवली प्रमोट करेंगे, मगर मेरे हिसाब से उसके लिए 30 साल बहुत कम है। भाई अभी हमें तो लगता है अभी है काफ़ी वक्त, जब ज़रा कम होंगे तो फिर हम सोचेंगे कि हम तो खैर शायद ना हों उस वक्त, लेकिन जो भी उस वक्त ये लोग यहाँ मौजूद होंगे वो इसके बारे में सोचेंगे। आपने 2005 में इस सिस्टम का इनकार किया? जी, उस वक्त ये ये थिएटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है नदीम, क्योंकि देखिए किसी हस्पताल का तसव्वुर जो है बगैर ऑपरेशन थिएटर के तो नहीं होता। बिल्कुल, मतलब आप कैसे कोई मेडिकल स्कूल चला सकते हैं जहाँ ऑपरेशन थिएटर ही ना हो, तो इसी तरह परफॉर्मिंग आर्ट्स को, हाउस जॉब के बगैर डॉक्टर बन नहीं सकते। हाँ, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी के साथ तो उनका इन हाउस थिएटर होना बहुत लाजमी है, उसी तरह जिस तरह मेडिकल के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके पास ऑपरेशन थिएटर हो जहाँ पे वो अपने काम की मशक कर सकें। अच्छा भाई, इस अहाते के बारे में कुछ बताइए जो कि बेसिकली देखने में लग रहा है कि कुछ सुखड़ गया है। पानी सुखड़ा तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अब जो कोई एक होगा ये तकरीबन डेढ़ एक एकड़ जगह बची है जिसमें हम बैठे, ये भी अगर आप इधर से बिल्डिंग देखेंगे तो ये बैक साइड, इसका फ्रंट जो है वो दूसरी साइड है जाम, जिसके आगे लॉन्स थे बहुत सारे, ग्राउंड्स थे, यानी जो आपकी हमारे सदर रोड है वो वहाँ तक ये खाना था और एक बहुत बड़ी ग्राउंड, बहुत बड़ा लॉन था। ओके। तो जिसमें आप एक्टिविटी मैदान का खाना भी हो और उसको भी कुछ हिस्सा ये सोसाइटी को भी बना रहे बिल्डिंग विल्डिंग बना रहे और जो सामने है वो एक्टिविटी मैदान है, कुछ हिस्सा मैं समझता हूँ मुस्लिम जो ये खाना ने भी उनका जो है वो
क्योंकि इस्तेमाल में नहीं थी और ये इमारत ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो इसको इसका अहाता लोग ले गए। वो एक पुराना शेर है, कई जगह इस्तेमाल हुआ है, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे प्यास रास्ता बना लिया, कुछ ऐसा है ना वो शेर। तो इसका रास्ता कई जगहों से गुजर रहा है, इस तरफ जिमखाना है मुस्लिम जिमखाना, उस तरफ अलीगढ़ वालों ने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी है। एक खूबसूरत मॉन्यूमेंट के चारों तरफ एक शहर आबाद है और डेफिनेटली ऐसा होना ही था, मगर सुकेरना अच्छी बात नहीं थी, ये गलत लगा। किसी कोने को भी छोड़ा नहीं गया। अब देखिए ये जो मेन पिलर है, जो इसकी दालान की छत का सुतून है, उसके नीचे भी एक बड़ा खूबसूरत डिजाइन मौजूद है, जो कि मुझे सीधा सीधा अकबर बादशाह के और उस दौर के मुगल एम्परर्स के कंस्ट्रक्शन की याद दिला रहा है। क्या बात है, गौर से देखिए तो बड़ा एक किंगडम वाला फील आ रहा है, खासतौर पर ये जो क्राउन है ये इसको बादशाही बना रहा है। और इसी के साथ उस चौखट के ऊपर कुछ मीनारे, आइए सर, इन मीनारों के दाएं और बाएं ऊपर की जानेब भी जो कोने हैं उनकी शक्ल भी मीनारों के कोनों जैसी है, यानी कि मीनारों के एंड्स। मगर अजीब और खूबसूरत बात यह है कि ये सारे के सारे डिफरेंट हैं। जो एंड्स आपके सामने इस वक्त हैं, ये चौकोर हैं और छोटे छोटे पिलर्स हैं इनके नीचे, और ऊपर गोया के गुंबद के साथ चोंच बनी हुई है, जैसे कि कोई मजहबी रसूमात अंजाम देने का कोई खास मंदिर मस्जिद या गिरजा जैसा। मगर मेन राहदारी के ऊपर दालान की छत के चारों तरफ जो छोटे मीनारे हैं इनकी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ है, और मैं चाहूंगा कि आप जरा गौर से देखिए कि इनकी जो छोटी छोटी छतें हैं वो बैजवी अंदाज में घूमी हुई हैं, नीचे चारों पिलर्स एक साइज के हैं मगर उन मीनारों से थोड़े से बड़े हैं, और इनके भी ऊपर मुख्तलिफ गुंबद मौजूद है चोंचीले, और तमाम मीनारों के बीच में जो किनारे चल रहे हैं, वाह 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 क्या खूबसूरती से उस दौर में डिजाइन किए गए हैं। अंदर मेहराबों के बीच में फूल हैं, और ये पूरा का पूरा डिजाइन लग रहा है कि लेटेस्ट कोई आज का किया हुआ सोचा हुआ नमूना है जो आपके सामने है, जबकि ये 16वीं और 17वीं सदी का रेप्लिका जो कि 1925 में डेवलप किया गया वो। में 16वीं और 17वीं सदी का काम मुगल काम रिवाइव करके गोया के तकरीबन कोई हम पर एहसान सा किया गया है, जो कि किया है जनाब मोहटा साहब ने और अहमद हुसैन आगा अहमद हुसैन साहब ने, जो कि आर्किटेक्ट थे। अब आप देखिए कितनी खूबसूरती से दो मीनारे हैं दोनों तरफ, जो कि बहुत लंबे नहीं है, छोटे हैं साइज में और दूर से बड़ा कोजी फील दे रहे हैं, और उन मीनारों के बेस पे यानी कि बिल्कुल निचले हिस्से में बड़ी खूबसूरत सी प्यारी प्यारी सी चौखटें। अब ये जो चौखट आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ एक खूबसूरत बहुत अच्छा सा सराउंड करता हुआ इन्हें एक और एज यानी कि एक किनारा है, और ये किनारा ऊपर से एक छज्जा लिए हुए है। अब देखिए यहाँ एक आम खिड़की भी लग सकती थी, मगर इसको इतनी खूबसूरती से तरतीब दिया गया है कि ये आज भी कुछ नया लग रहा है। अब इसके अंदर एक खिड़की भी नस्ब है जो कि अंदर वाले कमरे में खुलती है, मगर बाहर देखें आप कि छोटी सी मेहराब, ये एज, ये बाउंड्री और ऊपर छज्जा, इसका भी इंतजाम है कि बारिश डायरेक्ट शीशे पे ना लगे। हालांकि ये बहुत छोटी सी खिड़की है और शायद ही कभी हवा वगैरह के लिए खुलती हो, और मेरे हिसाब से ये एक
खूबसूरती का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ द डेकोर, क्या बात है। और इसके पीछे बिल्कुल वही दो दो फुट वाली दीवारें हैं जो कि तकरीबन तमाम ही इमारत का हिस्सा है, हर जगह उतनी ही चौड़ी और खूबसूरत दीवारें, पिलर्स भी उतने चौड़े और दीवारें भी उतनी ही चौड़ी, क्या कहने सा मजा। ये बिल्डिंग अंदर से बहुत बड़ी नहीं है, कुछ कमरे हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं माल खाना बतौर, यानी कि चीजें वगैरह रखने के लिए, और एक बड़ा हॉल है और उसके एक एंड पर पवेलियन है जहां से गेंद खाना यानी कि जिम खाना के मुजाहिरीन बैठ के खेल देखा करते थे। अच्छा, ये वर्ड जो है ये बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज से आया है, गेंद खाना, और बॉल से इसका हवाला है। इसकी तफसील भी थोड़ी देर बाद आप मिलेंगे एक बहुत अजीम मस्ती से, वो आपको बताएंगे। कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग जो कि मुझे मिसमराइज किए हुए इस वक्त, और अगर मैं अपने दिल के अल्फाज खोल के आपके सामने रख दूँ तो फिर मैं वही कहूँगा कि कराची मेंटी की सबसे खूबसूरत इमारत मुझे ये लगी। अब ये वही 1925 के लगे हुए शीशे और खिड़कियां और पट और दरवाजे, यहाँ हमारे सामने खिड़की है, ये ऊपर एक बहुत बड़ा रोशनदान है, और रोशनदान उसी वॉक्सवैगन की खिड़की की तरह, मैं गाड़ी की हमेशा एग्जांपल देता हूँ, आई एम अ कार लवर, तो वो उसी तरह पट चलने वाला एक ऐसा खूबसूरत लंबा रोशनदान है जिसको कि अगर खोल दिया जाए तो बहुत मिकदार में हवा अंदर आ सकती है। उसके नीचे पतले मगर बहुत लंबे लंबे चौखट, और उसमें बीच में खिड़कियां नस्ब है, और उन खिड़कियों में मुख्तलिफ किस्म के रंगों के शीशे नस्ब है, ये एक कलर में नहीं है, दिस इज डार्क येलो ऑलमोस्ट, जब लाइट आती होगी तो कुछ मस्टर्ड और ऑरेंज सी अंदर आती होगी, और उसके बीच में ग्रीन है, और उसके ऊपर वाइट है, और उसके ऊपर जो रोशनदान है उसके अंदर मल्टी कलर्स है। और अगर आपको याद हो वो चर्च वाली एपिसोड के इन रंगों का इन शीशों से छन के आना इस लाइट के साथ हम पर बड़ा मुख्तलिफ असर डालता है, जाहिर है कलर्स सुर बातें एहसास को हिलाते हैं। और ये जगह तो उसी बारे में, क्योंकि खूबसूरत बात यह है कि ये हिंदू जिमखाना 2005 से बन चुका है नेपा, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि यहाँ पर कभी मौजूद नहीं था, और आने वाली नस्लों के लिए आर्ट एंड कल्चर का एक मेजर मेजर इंस्टीट्यूट है। आगा अहमद हुसैन के इस नक्शे को जिसको बड़ी खूबसूरती से तरतीब दिया गया है, बेसिकली से कभी भी मैंने आपको बताया कि एक हॉल था, एक बड़ा हॉल जिसको 2005 में पार्टीशंस बना बना के, वो भी वुडन पार्टीशंस बना बना के, स्टूडियोज और मुख्तलिफ कमरों की शक्ल में एक स्कूल बनाया गया, एक इदारा जो कि 2005 में डिसाइड हुआ कि इस इमारत को नापा बनाया जाएगा नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और क्या खूबसूरत डिसीजन है। इसके अहाते में कैंटीन्स भी हैं और मुख्तलिफ जगह को मैंने ले जाकर दिखाया, और उससे पहले दाहिने हाथ पे कमरा है जिसके बाहर लाइब्रेरी है, और उसूलन तो ये खिलाफ तहजीब है कि इतनी लाउडली लाइब्रेरी में बात की जाए जबकि काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ स्टडीज कर रहे हैं और दरमियान मुशाहिदा है, मगर क्योंकि इस लिंक के बाद में फौरन वहाँ जाना है इसलिए यहाँ ये बता सकते फौरन में आगे बढ़ता हूँ। इस लाइब्रेरी में कमाल कमाल चीज़ें, फ़नून लतीफ़ा से लेकर माशी मादनियात और हर तरह का इल्म मौजूद है, मगर ज़्यादातर आर्काइविंग यहाँ पर उन चीज़ों की है जो आर्ट से लेकर है, म्यूज़िक भी है, सीडीज़ भी हैं, और सबसे खूबसूरत बात जनाब ज़ियाउद्दीन साहब की सदाकारी है कि आज तक जो कुछ उन्होंने किया है उसमें काफ़ी कुछ है मौजूद है सीडीज़ और रिसर्च की शक्ल।
दोस्तों, इस जगह जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसके बारे में आपसे अर्ज किया मैंने कि वुडन पार्टीशन हुए हुए छोटे छोटे कमरों में से बनाया हुआ एक लंबा ऑफिस का सिलसिला है। तो शुरू बिल्कुल दलान के बाद होता है, उसके बाद एक लंबा कॉरिडोर, उसके बाद एक छोटा कमरा, और उस छोटे कमरे के बाद एक छोटा ड्राइंग रूम, और उस ड्राइंग रूम के बाद एक जबरदस्त आला नस्ल का कमरा। तो यार तकरीबन ऐसा ही है जैसे प्रेसिडेंसी में आ गया हूँ, और ये कमरा है जनाब ज़ियान उद्दीन साहब। दोस्तों, ये नाम शायद इस एपिसोड में कम लिया गया, मगर शायद इसको बार बार लेना चाहिए, और इसीलिए इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। पहले तो इस सेशन के बारे में बता दूँ आपको कि इस बहुत बड़े हॉल को पार्टिशनाइज करके कमरे बनाए गए अपनी जरूरत के हिसाब से। उसके बाद इसके पिछले बिल्कुल पिछले हिस्से में जहाँ इस वक्त अभी ऑफिस है, उसके ऊपर एक पवेलियन थी, यानी कि बैठने का एक बाकायदगी से सीटिंग अरेंजमेंट था, जिस पर बैठ के तमाम लोग सामने होने वाले तमाम मुजाहरे देखते थे, जो कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, पोलो, न जाने क्या क्या होगा, क्योंकि इसका पिछला अहाता एक जमाने में जब वो प्रेसिडेंट्स हाउस होता था तो उस तक जाके मिलता है। हाँ, कमिंग बैक टू द रूम, उसके एम्बियंस बता रही है कि इंतहाई सोफिस्टिकेटेड, कामयाब तरीन, आला तरीन मिजाज और जहन रखने वाले इंसान थे। मेरे दोनों जानब खूबसूरत एक्रेलिक के सोफे हैं, और चारों तरफ जनाब ज़ियान उद्दीन साहब की कुछ ना कुछ पेंटिंग्स और उनसे रिलेटेड तस्वीरें हैं, और मेरे बाएं जानब उनके बहुत सारे अवार्ड और शील्ड्स हैं। अगर मैं ये कहूँगा तो गलत नहीं होगा कि मोइन अख्तर से लेकर जितने भी कॉम्पेयर्स इस दुनिया में गुजरे और जो हयात हैं, फख्र आलम, साहिर लोधी, मैन अदीन जाफरी, और जितने भी कॉम्पेयर्स हैं जो मेरे इस वक्त जहन में नाम नहीं आ रहे, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं 23-33% ज़ियानुद्दीन मौजूद। उनकी गुफ्तार सुनी हमने पैदा होते टीवी पे अक्सर 9-10 मुहर्रम को एक प्रोग्राम आता है जो कि करबला की हिस्ट्री और हज़रत हुसैन इस्लाम की पूरी ट्रेवलिंग बताता है, वो भी प्रोग्राम ज़ियानुद्दीन साहब की आवाज में। इसके अलावा बेशतर अफसाने और मुख्तलिफ वाक़ियात उनकी आवाज में इस जगह भी आताई है। तो उनकी आवाजें और उनके अंदाज सीख के जो लोग बड़े होंगे, जाहिर हमने उन्हीं से सीखा और हमारी गुफ्तगू को कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़ियानुद्दीन साहब के सामने इनके कमरे के अंदर इतना खूबसूरत छोटा सा सेटअप है, ये साफ लग रहा है कि ये अच्छी सोच और उस पर अमल कर देने वाली सलाहियतों के लिए। एक लैंप रखा है, कुछ मोटी मोटी किताबें हैं, दिस इज माइनस गैजेट, यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, दिस नथिंग, कुछ भी नहीं। और बहुत ही मैनुअल और खूबसूरत सा फन का एक ऐसा फ्लो है जो कि जबान और हाथों और अंदाज से आज भी जारी है, आज भी जारी इस तरह है। ज़ियानुद्दीन साहब थिएटर की क्लासेस और मुख्तलिफ क्लासेस लेते हैं, आज भी देखा हूँ, इसके बिल्कुल बराबर वाले स्टूडेंट, क्या बात है उनकी। और इस जगह के शुरू करने वाले, इसके रूह रवान और उस दौर में प्रेसिडेंट मुशर्रफ से इसकी इजाज़त लेने वाले भी ज़ियानुद्दीन साहब, इसका इनकाद करने वाले, ये सोचने वाले कि एक अकेडमी और परफॉर्मिंग आर्ट्स होनी चाहिए पाकिस्तान में, उनको सलूट करते हुए आगे। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके एहसासात और जज्बात को उतने अल्फाज नहीं मिल रहे होते, या उतने बड़े अल्फाज नहीं मिल रहे होते जितने आपके जज्बात जिस कदर जबरदस्त और डीप होते। इस वक्त मैं इसी कैफियत से गुजर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या बयान करूँ इस वक्त, मैं काश मैं दिखा सकूँ और वो सब जो मैं महसूस कर रहा हूँ आपको भी महसूस करवा सकूँ। हम जिस मीनार के नीचे खड़े हुए थे और चौखट आपको दिखा रहा था, बेसिकली अंदर आके मालूम हुआ कि वो स्टेयरकेस है, तो वो अंदर कमरा, मगर वो कमरा स्टेयरकेस है, और एक घूमता हुआ स्टेयरकेस जो कि बहुत कम सीढ़ियों पर मुश्तमिल है, गालिबन 35 या 30। उसके एंड पर ये मीनार नस्ब है, और ये मीनार जो है अंदर से घुमा हुआ है, उसके चारों तरफ 12 दरी जैसी मेहराबें हैं, और तकरीबन शायद 12 ही हैं। और इसका एक और पर्पस कि ये हवा भी यहाँ से खींच के अंदर दे रहा है। उस दौर के जो आर्किटेक्ट्स थे वो कितने ब्रिलियंट थे,
मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ। और उस सीढ़ियों से होकर जिस जगह मैं आया हूँ, ये नस्ली सली उर्दू में इसको कोठा कहते हैं या छत आम उर्दू में कहते हैं। कोठा यानी कि वो छत जो कि छोटी मुंडेरियों में मुश्तमिल होती है और वहाँ पतंग वगैरह भी आप उड़ाते हैं। अक्सर उर्दू की पुरानी किताबों में आपने बसंत का जिक्र सुना होगा। और बहरहाल ये वही छत है और इस छत के बिल्कुल सामने तीन बड़े कमरे हैं और क्या खूबसूरत जबरदस्त चौखटें और दरवाजों और किवाड़ों पर मुश्तमिल हैं। उनके ऊपर खूबसूरत जबरदस्त काम बना हुआ है और उसके बिल्कुल सामने एक लंबी छत के इस कोने पर जहां पर दालान की छत है एक छोटी सी मुंडेरी है जो कि बिल्कुल स्टेज जैसी है, यानी कि सीढ़ियां और फिर स्टेज। यहां से खिताबत हो सकती है, कोई अच्छा छोटा सा म्यूजिकल प्रोग्राम कंडक्ट हो सकता है और इसी के चारों तरफ गोया के वो मीनार है जिनका जिक्र नीचे हुआ है। अब मेरे जहन में खाका यह है कि अगर यहाँ पर बड़े सगीर पाक और हिंद के जबरदस्त म्यूजिशियंस इकट्ठा हो जाए, उस्ताद रवि शंकर, उस्ताद हरि प्रसाद चौरसिया और हमारे पाकिस्तान से उस्ताद रईस खान साहब और आबदा परवीन साहब और जाकिर हुसैन साहब या और भी कई नाम जो कि उस दौर जब से मैंने म्यूजिक सीखनी और बजानी शुरू की आज तक मेरी समातों में कहीं ना कहीं बार बार आते हैं और उनको मैं महसूस करता हूँ, उनसे महसूस होता हूँ, उनसे सीखता हूँ, यानी कि सीडी लगा के सुनने की सूरत में। वो अगर यहाँ विराजमान हो तो क्या हसीन जबरदस्त गायकी का वो एक संगम होगा, मौसीकी का एक ऐसा जबरदस्त मेला होगा कि इसमें रातें गुजर सकती हैं। क्योंकि इल्म वाले लोग, इल्म का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये जगह अब उस इल्म से मुंसलिक है, यहाँ पर फनुन लतीफा सिखाया जाता है और उसके तकरीबन कोई तीन चार ऐसे पहलू बड़े बड़े लोग यहाँ पढ़ाते और समझाते हैं। तो ये इमारत मेरे हिसाब से अपने सही मकाम पे सही इस्तेमाल हो रही है। उन चंद इमारतों में से एक मॉन्यूमेंट, हमारा लिविंग मॉन्यूमेंट, जो कि किसी ऐसे दफ्तर के बजाय जहाँ कागजात का अंबार है प्रॉपरली आर्ट को फैलाया, क्या बात, क्या बात। ये वो जगह है जिसका अभी मैं वहां से जिक्र कर रहा था। देखिए क्या खूबसूरत मास्टरपीस है, एक बराबर से सिमेट्री में बनी हुई खिड़कियां और दरवाजे, गोया कि एक लाइन पूरी वहां तक जा रही है और उसी में खिड़कियां और दरवाजे नस्ब हैं। और कुछ देखने में ऐसा भी लग रहा है कि किसी जमाने में खिड़कियां दरवाजे शायद नहीं होंगे और बाद में बनाए गए, मगर इनकी तारीख इस लकड़ी का पुराना पन बता रहा है कि ये तकरीबन अगर कोई चेंज हुआ भी है तो उसी दौर में। बिल्कुल बराबर की खिड़कियां और बराबर के दरवाजे, यानी कि दरवाजों के ऊपर एंड्स जो हैं, यानी कि ऊपर कोने जो हैं, ऊपर की तरफ के तमाम तर दोनों तरफ के चौखट सब दरवाजों के बिल्कुल खिड़कियों के बराबर हैं और उनमें तकरीबन एक ही बराबर के शीशे नस्ब हैं। हाँ, जहाँ दरवाजे हैं वहाँ नीचे भी कैरी हो रहा है और जहाँ तक खिड़की है वहाँ तक खिड़की बंद होके नीचे मजबूत कॉन्क्रीट है और जहां दरवाजा है वहां नीचे तक बड़े खूबसूरत डिजाइन से दरवाजा कंप्लीट हो रहा है। हाँ दोस्तों, इनके ऊपर देखिए क्या खूबसूरत जबरदस्त मेहराबे हैं और ये वो मेहराबे हैं जिनका नीचे से जिक्र करता हुआ मैं ऊपर आ गया। यहाँ आके मुझे पता लगा कि यहाँ भी वही खास तिकोन मेहराबे चल रही हैं जो कि अपनी मेहराबों में भी छोटी छोटी कई मेहराबे लेके चल रही और इन मेहराबों के दोनों तरफ खूबसूरत उस दौर के फूल नुमा, जैसे सूरजमुखी फूल होता है वैसे दो डिजाइन हैं जो कि खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किए गए और इनके ऊपर भी बीम्स से लगी हुई और बीम्स के भी जो कोने सपोर्ट्स हैं वो मेहराब शक्ल में घूमे हुए हैं। उनके छज्जे हैं जो कि एक लंबा छज्जा है, चारों तरफ चल रहा है और बीच में इसके अंदर यानी कि इन कमरों के अंदर ये बीम्स चल रही हैं जो कि छत को पकड़े हुए हैं और गोया कि इन चारों के चारों कोनों पर भी छोटे मीनार मौजूद हैं। क्या बात है, पता नहीं एक गाना याद आ रहा है जो आप रिलेट कर पाए या ना रिलेट कर पाए। छोटे और खूबसूरत आठ सुतूनों वाले, आठ मेहराबों वाले खाली गुंबद के नीचे बैठा हुआ मैं इस वक्त सिर्फ ये सोच रहा हूं कि ये हसीन अतिया, ये हसीन विरसा जो हमारे नसीब में आया है, इस खित्ते के नसीब में आया है,
इसकी कदर व मंजिलत जानने के लिए कम से कम 3 प्रोग्राम्स भी ना काफी। मगर बहरहाल मेरा एक प्रोग्राम 40 मिनटों का ये दौरानिया, इसमें कोशिश करता हूँ मैं कि वो सब कुछ कह डाले जो इमारतों से अक्स करता हूँ। कराची मेंट्री में आज ये इमारत जो आपने देखी, एक्स हिंदू जिमखाना और करंट नापा की बिल्डिंग, मैं आके यहाँ बहुत खुश हुआ और बहुत पुरसकून जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लिविंग मॉन्यूमेंट्स जो कि इस तरह चल रहे हैं, सारी बिल्डिंगों को इसी कदर के साथ चलना चाहिए, उनके आर्किटेक्चर को देखते हुए उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी आर्काइविंग डिपार्टमेंट और हमारा विरसा जो लोग आफ्टर कर रहे हैं लोग हेरिटेज, उनको चाहिए कि वो ये बिल्डिंग्स उन्हीं लोगों को अलॉट करें जो इससे मुमासत रखते हों, या उनका काम या उनका करना जो है वो इससे मुमासत रखता हो, इसके आर्किटेक्चर से इसकी खद खाल से मिलता हुआ काम यहाँ हो रहा है, इसलिए शायद इस इमारत में वो सुकून है जो पहली इमारतों में मुझे मैसर नहीं हुआ। और इस पिलर पे हाथ रखते ही मुझे अभी एक चीज मेरे जहन में आई, मैंने कहा आपकी नजर करूँ, जिस तरह किसी बहुत बड़े स्टार को मिलने की ख्वाहिश हो आपके दिल में और आप उससे ऑटोग्राफ लेने जाएं या उसके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाएं, या किसी बहुत बड़ी जगह जाके उस जगह तस्वीर खिंचवाना आप खुश नसीबी समझते हैं, इस पिलर पे हाथ रख के मैं नदीम जाफरी उतनी ही खुश नसीबी महसूस कर रहा हूँ। अगर हम सोचें तो यह हमारा वर्षा किसी बहुत बड़े स्टार से कम नहीं। इसी बात के साथ साइन ऑफ करूंगा और मिलूंगा अगले एपिसोड में। जाते जाते हमारा फेसबुक एड्रेस आपके सामने आ गया है। आई एम अराउंड एंड आई विल बी शोइंग यू कराची। खुदा हाफिज़।